हाँ तो जी राम राम जी। सारे छोटे बड़े बाण भाई ने काका और काकी ताया ने ये भाई जो सवेरे हमने आपता है एक ऑडियो सुनाई थी। कौन सी थी? डिप्टी होल्डर प्रेम वीर मोखरे तई। तो उसकी के लिए जो कहानी घट रही है ये बामुड़ा पहुंच लिए हैं। उड़ाए पछे ही भी जो भी बात होंगी जितनी भी बात होंगी वे आपके सामने होंगी। जिस बात होंगी हर एक बात बताई जाएगी। उस बात को आगे तक पहुंचाना और उस बात पर न्याय दिलवाना वो हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपकी भी और मेरी भी। शेयर करके इस बात में प्रशासन तेज जरूर पहुंचाइयो। तो सब तो पहले आता है। हाँ भी कित के हो तुम? फिर गांव मोखरा पाना खेड़ी मतलब अड़े यो खुल नहीं रहा डिपू? नहीं रंदा राशन ना मिलता। राशन लेना हो हाँ तनु का मारा है साला गए। मारे कौन कहे है? जो राशन बांटा है जो रोज कीमत है कुन प्रधान प्रदून है हर पल है। और पल है कि डिपो होल्डर जो इस गिला अटैच है यू आड़ा है। दिखाइए हाँ देखो भाई बड़ी दरिया गिला पीडीएस नंबर है 297 है। प्रॉपर्टी प्रेमवीर मोखरा खेड़ी यानी के यू जो आड़े डिपू पड़ा है यो डिपू प्रेमवीर का है और अटैच में है अरपल के लिया। ये अरपल के बारे में यू भाई को है मार रही है। यो तो फिर क्या हो गया? गुंडा राज नहीं है जी? इन्हें क्यों मार दोगे? है तीन महीने उले राशन दें। फिर यह बात है आपने मतलब पंचायत में सरपंच तक ऊपर की दरखास्त दी इस बात की? हाँ कर रखी है दरखास्त भी दे रखी है तो अप्लीकेशन भी ला रखी है। फिर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? नहीं कोई 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 कार्रवाई नहीं कर रहा। सुनो जी एक बात है, यू हमारा देश विधान और संविधान पर चल रहा है और संविधान तो बड़ा ना तक को है और ना को बन सकता। जब एक डिपो होल्डर राशन बांटे है वो राशन देने तो नाटे है न्यू कहे है के मार दूंगा पीट दूंगा। हाँ ये बात कह है मारांगे पीटांगे यह बात हकीकत है। तेजी प्रशासन से एक गुजारिश है इसे दबंग आदमी का डिपो होल्डर रहना भी खतरनाक है क्योंकि उसमें अब गांव का आपसी भाईचारा भी खराब हो सका है। इस चीज ने प्रशासन जरूर नोट करे। अब देखो हर एक गांव में डिपो होल्डर है जैसे वो रखे क्यों जा है भाई राशन आवे है राशन देनती है तो है वो राशन करेंगे कि लेकिन कुछ अंधेर कर देश चल रही है। अगर राशन ने बार की बार डगाने की सोचा है गांव में जी जरूरतमंद है उन तक वह चीज पहुंचानी नहीं पाती। सुविधा किस नाम की? जो सुविधा ऊपर तक बड़कारी है वे सुविधा आड़े खत्म नहीं हो जाती। इन तक पहुंचने जरूरी है इन तक भी तो पहुंचनी जरूरी है। फिर ये सारे मतलब राशन लेना रे हाड़े राशन लेना रे। अजय भाई आगे नहीं लेडीज दौर पूछेंगे क्या दिक्कत है जी क्यों करके कहानी हो रही क्यों नहीं मिलता राशन? पिछले महीने राशन लेना आई थी मैं। अच्छा जी। तो पार्टी हुई थैली में लेगी मैंने एक लीवा भी पार्टी हुई दूसरी लीवा भी पार्टी हुई तो मैं बोली जी मैं पार्टी हुई नहीं ले रहा हूँ क्यों हमारा तरल जाएगा बोला ले जानी हो तो यहाँ ले जाए मगर न्यू क्यों कर जाए के तो परिदेश है पीछे ले है चून के बोला मेरा कोटा मना आया कर तू मैं बोली माड़े आऊंगी बुढ़े हो गए हम तो ले देंगे आड़ तो ले जाते मैं ना तेरे तक हमने जो कितने तो लिया कर बोला तू ये बात न्यू क्या है अगर कोटे मनाया अगर और कोटे में कितने पाकिस्तान में जाओ है बताइयो भाई जाड़ा अपने गांव के कोटे में नहीं आवे हैं तो क्या कहे हैं पाकिस्तान में जाकर को मरता राशन दो। अरे शर्म करो यार शर्म करो जी मारे इसका यो घर पर आदमी अटैक कर हम तो इससे कहते ले जाओ जी राशन बुढ़े हो गए ले जाने दे और कितने ले हम राशन न बोले आड़ आने की जरूरत को नहीं पर थैली ले जानी तो पार्टी हो ही ले जा। यू डिपू किसका है? डिपू बाबा का है। कौन सा बाबा है वो? उसका और भाई कौन से का वडी पुआई एक वो भा जो रे वो भाई का था तड़के कल सांझ ने को था मेरे तो भाई मैं गोली खा जाऊंगा मेरी गल बहुत अन्याय हो रहा है भाई न्याय न्याय करवाइयो इस बात पे। उधार पे भी ले जाओ हम सारी बार आधी आणु उधार पे ले जा अस्पताल दे हम नहीं हो फिर भाई पहले राम राम कर दे राम राम भाई सारे डिपू तो है मेरा अटैच सर पल गया है 10 दिन हो गए 12 दिन सप्लाई खुली ना मेरे तो ताली दी है ना मेरे तो मशीन दिंदा है फोन कर कर थक लिया मैं परसूस का करने का मैं तेरे पीछे ले ले रो राशन संभलवा अगर मन चाबीर मशीन दे दे नू बोला जो मेरा बहुत तन ब्याज रुपये ले रखे 10,000 पहले वो लूंगा मैं वो तो मेरे पर नहीं है वो तो बाद में दूंगा मैं नू बोला तो मैं ये भी नहीं लेंदा नू कह फोन काट दिया उस दिन पर मेरा फोन नहीं था हमने फिर चलो वो तो देखो लेना देना चलता रहे व्यवहार है ये व्यवहार में भाईचारा खराब हो जाना या फिर व्यवहार में आके मतलब आदमी किसी के साथ गलत कर रहा है तो वो चीज नहीं चलनी चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ आपका 3 महीने राशन कैसे बंद क्यों बंद था? मेरी वो कौन फंड में पैसे जमा आ रहे हैं। अच्छा मेरी कोई मुसीबत था मैंने मेरी पेमेंट जमा लेट हो पाई मैंने करी नहीं गई मेरा भाई उन्होंने सप्लाई मेरी बंद कर दी थी या वजह थी मैंने पेमेंट कर दी कौन फट गई सारी क्लियर मेरी सप्लाई खुल गई इसका अटैच थी पहले मेरी सप्लाई बंद थी बस यह बात किसका अटैच थी अरपाल का मेरे ई बे सप्लाई खुले पछे है आपकी सप्लाई खुल ली है तो अरपाल के कह मैं ये बेचूंगा नूगा हम मैं बांटूंगा इन कल उस परसों ना मेरी मशीन में आपकी मशीन में अटैच कर वो गिरवा लिया राशन ट्रांसफर करवा लिया
तो मेरा डिपो ने खाली करके जो आपका बिठा ले जाओ, मेरे को ऐतराज नहीं उड़ा जाओ बांटो तो मेरा भी क्यों बांटा हो। सारे पूछेंगे तो बताइए, एक एक ही बात, इसकी बात आओ, सारे ही पूछेंगे। मन कल फोन करे इंस्पेक्टर द्वारा सारे नॉलेज में दे दी, मेरे डिपो पर आसन बांटा ही ना बंद करवाओ जी। वह कल सुबह भी देख लो क्या टाइम हो गया, इबी कोई नहीं आम आदमी एफएसओ वगैरह को मतलब कुछ कार्रवाई नहीं करी, भी नहीं हुई कल शाम ने, और आज का टाइम दिया था, टाइम देख लो क्या बज गए, 11 बज गए, इबी कोई भी नहीं आया मेरे द्वारा। भाई साहब खाद्य पूर्ति विभाग में एफएसओ होते हैं जिनके अंडर में वितरण किए गए जिम्मेदारी आती है, ये कह रहे हैं कि मैंने उनसे 3 बार फोन कर चुका हूं कल से और वो कोई भी रिस्पॉन्स कोई भी प्रतिक्रिया इस चीज पर नहीं दे रहे हैं। अगर भाई मन ने मेरा डिपो चलाने की जब राशन खुल लिया है, सारी बात खुली, सप्लाई खुली, तो मैं उसने बांटू और उसके लिए मतलब कोई भी तो कितना हो जी से फिर किसके रोल आई इनका, यो गलत है वो गलत है भाई, जो गलत गलत को रहे जो सही है। अच्छा। गलत हूँ मैं, जब इन्हें पीछे भर दिए भाई साहब अपने, तो उनका हक नहीं है भाई देने का इनका, और फल रोकना भाई ठीक है, तेरे ने अपनी मशीन पर चढ़वा लिया यार, हमारा कोटा खाली कर दे, सही बात नहीं है यार, फिर तो बात दे दे चाबी हमारी मशीन में चढ़वा दे, बांट जाएंगे, अरे लोग अंडा भूखे मर दे, कितने आदमी परेशान, तो ये थोड़ी परेशान है, परेशान तो हम, हाँ इसमें के बात लग है कि यू भाई जो भाई इसका सप्लाई बंद थी उसके लिए अटैच थी, तो ये खुले पच है वो अंगे बट लग रहा है। हाँ अंगे बट इसका मतलब ये लल्ला ही क्या बेटे, बाकी हमने जो ना इसके साथ जो ना हमारा बहुत ठीक ठाक संबंध है, पिछले कई साल से जो ना ठीक राशन दे रहा है, घर से फोन भी कर दिया है, बुला भी लिया हुआ है ठीक, और 10-20 रुपया ही भाई कमी पेशी रह जाती वो भी पूरी करे हो, अब अगले गेड़े दी थी ये घर भैया बिल्कुल ठीक से हमारी तरफ से, उसका रवैया की सर, उसका रवैया हमने नहीं भेजा, एक दो बार असर ले गया इस पर, एक बार मैं चीनी ने नाट गया हो, अगले गेड़े जो ना नहीं बोला चीनी वापिस जमा होगी तेरी, मैं बोला भाई पिछले गेड़े मेरी 1 किलो चीनी दे, तो आया नहीं, बोला तेरी चीनी जमा होगी। भाई साहब ये के बात और भी थोड़ी सी नोट करने की है, इस बात पर गौर करियो आप लोग, देखो राशन वितरण की जिम्मेदारी सरकार ने जो डिपो होल्डरों को सौंपी है वो आम लोगों तक वह सुविधा पहुंचे इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी खाद्य आपूर्ति विभाग की बना है, और वो उस बार बार फोन करे पास भी वो कोई जब एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इस भाई का मेरे द्वारा फोन आया, अब भाई लोग भूखे मर लाग रहे हैं, राशन मिल नहीं रहा है, राशन बांट नहीं पा रहे हैं, और खाद्य आपूर्ति विभाग कोई इस पर एक्शन ले नहीं रहा है, तो जी हमें उस बात ने ऊपर तक पहुंचाऊ भी गए, और खाद्य आपूर्ति विभाग तभी इस बारे में सवाल जवाब करे जाएंगे जी, यह बात आड़े नहीं छुट्टेगी। अच्छा अभी और भाई यहाँ पूछेंगे कौन आड़े गए भाई सारे, तो भाई क्या कहानी हो रही है, क्यों करके एक बात हो रही है, कहानी गरीब मानस का पेट पला तो मार रहा है, बतायो सही सुधा मानस है यार गति एक या ताई भी भाई दो बात मतलब क्या कहानी हो रही है ताई मारा है ना छोरी हुआ रखी यार आड़े ही रहा करूं। अच्छा भी बता, मेरी भाभी का ना चाल नहीं सकती, वह इतनी इतनी लुचरी है, और 15 साल हो गए बंद कर रखे है, कती राशन रूशन के में ना मिलता, बोले थारा उड़ जाके मैं होगा बड़ा बड़ा राशन, एक निवेदन है जी प्रशासन तक निवेदन है, जो सौखे जो सुविधा अगर गांव वाले नहीं पहुंच सका है तो उस आदमी ने ठेकेदार क्यों बना रखा है, क्यों उस आदमी का ओल्डर है वो भी उसका डिपो चल रहा है जबकि वो राशन इन तय नहीं पहुंच रहा है, तो ये आदमी किस जा राशन लेने राजस्थान कि जाके एक बार बताओ जरूर कॉमेंट करके, और इस बात ने शेयर जरूर कर दियो, ऊपर तक पहुंचाने में हमारी मदद करियो, क्योंकि न्याय न्याय दिलवाना आपका काम है जी, और खबर पहुंचाना आप ती मारा काम है, हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी से नहीं हटेंगे, आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी से नहीं हटोगे। ऐसा प्रशासन से निवेदन है कि जो अंधेरगर्दी हो रही है इसका संज्ञान ले, मामले में अपने जरूर हस्तक्षेप करें, और गांव अपने हस्तक्षेप के द्वारा जो गांव में अगर नहीं हस्तक्षेप करता है तो ये भाईचारा बिगड़ने वाली बात आ जाएगी, भाईचारा बिगड़ने से पहले प्रशासन ने इस पर एक्शन लेना चाहिए। आगे मोर अपडेट तो ही पूरी पूरी खबर आप तक पहुंचेगी, उसके लिए बने रही हो दिनेश गहलोत के लिए जिम्मेदार न्यूज़ में, जय हिंद।